नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। सेल ऑन नंबर चैप्टर 3 सबट्रैक्शन ऑफ नंबर्स पेज नंबर 53 सब्जेक्ट मैथ ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 3 के पेज नंबर 53 के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 53 में तीन नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, निम्नलिखित प्रॉब्लम्स को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए यानी कि हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग को समझा रहे हैं। कह रहा है कि टॉम ट्रेवल्ड ए टोटल ऑफ 5704 किलोमीटर। कह रहा है कि टॉम जो है कुल इतना ये 5704 किलोमीटर क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, ही ट्रेवल 3129 किलोमीटर बाय ट्रेन पर 3129 किलोमीटर की जो दूरी है वो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करता है, द रेस्ट बाय कार और जो बची हुई दूरी है वो कार के द्वारा तय करता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल बाय कार, तो बताना है कि कार के द्वारा वो कितनी दूरी तय किया है। ठीक है, तो वो कुल टॉम जो है कुल दूरी 5704 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, और ट्रेन के द्वारा वो इतना दूरी तय करता है और बाकी जो दूरी है वो कार के द्वारा तय करता है, तो वही बताना है स्टूडेंट की कार के द्वारा वो कितनी दूरी तय किया है। तो क्या करेंगे, कुल डिस्टेंस जितना वो तय किया है, ठीक है, यात्रा किया है, उसमें से क्या करेंगे, अगर हम ट्रेन के दूरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो कार के द्वारा कितनी दूरी तय किया है। ठीक है, या वो कितना यात्रा किया है कार के द्वारा। ठीक है, तो लिखेंगे द डिस्टेंस ही ट्रेवल ट्रेवल बाय कार इज इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल दूरी जितना वो यात्रा किया है, ट्रेवल किया है, ठीक है, उसमें से हम जो ट्रेन के द्वारा यात्रा किया उसकी दूरी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारी टोटल दूरी है यात्रा किया गया है टर्म के द्वारा वो है 5704 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से जो ट्रेन के द्वारा जो तय किया गया दूरी है उसका यात्रा जो किया है उसकी दूरी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टोटल डिस्टेंस में से, हमको पता चल जाएगा कि वो कार के द्वारा कितनी दूरी चला है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप लोग यहाँ जो माइनस है इसको आप लोग माइनस कर लीजिएगा, तो हमको हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है 1210 पीपल वेयर वेंट टू ए सर्कस, कह रहे कि 1210 पीपल यानी कि लोग, ठीक है, एक सर्कस गए, ठीक है, इन द आफ्टरनून शो, कह रहे कि आफ्टरनून शो के लिए इतने लोग सर्कस देखने गए या सर्कस गए। ठीक है, एंड 1415 वेंट फॉर इवनिंग शो, और इतने लोग जो है वो शाम के समय शो को देखने गए। ठीक है, इन ऑल 3105 टिकट्स वेयर सोल्ड फॉर द डे, कह रहा है कि दिन के लिए कुल इतने टिकट को सोल्ड किया गया था फॉर 300, दिन के तीनों शो के लिए इतने कुल टिकट को क्या किया गया था, सोल्ड किया गया था, बेचा गया था। ठीक है, तो बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु विजिट द नाइट शो ऑफ द सर्कस, तो बताइए कि
लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो रात के समय रात का जो शो था उसमें सर्कस देखने कितने लोग गए थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पहले तो देखिए इसमें तीन शो हो रहा है, पहला शो जो है आफ्टरनून है, दूसरा शो इवनिंग शो है और तीसरा जो है नाइट शो है। तो दो शो का दोनों शो पे ये लोगों की संख्या दिया गया कि दोनों शो में कितने कितने लोग गए, और तीसरा जो शो है नाइट वाला इसका नहीं दिया है, इसका नहीं दिया है, इसी का पूछ रहा है तीसरे, यानी कि तीसरा जो हमारा शो नाइट शो है इसमें कितने लोग गए। तो टोटल देखिए इतने लोग गए हैं, पूरे दिन में तीनों शो में मिलाकर इतने टिकट बेचे गए हैं, यानी कि इतने लोग क्या गए हैं, शो को देखने गए हैं। तो सबसे पहले हमको दोनों को बताना है दोनों शो में कितने लोग गए हैं, लिख देंगे इन आफ्टरनून आफ्टर नून शो, शो एंड नाइट शो, सॉरी इवनिंग शो, पीपुल वेन है शाम कह रहा कि आफ्टरनून शो के लिए शो में और शाम जो शाम का शो है उसमें लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, जितने आफ्टरनून में गए जितने इवनिंग में गए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1210 पीपुल गए आफ्टरनून में और इवनिंग शो में गए 1415, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो इतने पीपुल जो है 2625 जो लोग हैं ये दोनों शो मिलाकर शो देखने गए, यानी कि आफ्टरनून में और इवनिंग के शो में ये दोनों जो लोग हैं इतने लोग शो देखने गए। अब हमको बताना है कि नाइट शो में कितने गए हैं, ठीक है, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ, यहाँ लिखिए द नंबर ऑफ पीपुल Who visited the night show? The night show is equal to क्या कर देंगे हम, देखिए टोटल टिकट कितने शो चाहिए, यानी कि तीनों शो मिलाकर इतने लोग आए हैं, तो तीनों शो के संख्या में से क्या करेंगे, दो शो के जो संख्या है हमारी लोगों को जो देखने गए हैं उनमें से क्या कर देंगे, टोटल संख्या में से ये दोनों के संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 3105 माइनस 2625, तो हमको पता चल जाएगा स्टूडेंट कि इसमें कितने लोग गए हैं, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे देखिए इसमें जो क्वेश्चन है सी नंबर, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ सी नंबर क्वेश्चन आप लोगों को लिख दिए हैं, सी नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे हैं इन स्कूल लाइब्रेरी, एक स्कूल लाइब्रेरी में देयर आर 1215 इंग्लिश बुक, कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में कितनी इंग्लिश की किताबें हैं, कितनी साइंस की किताबें, 1101 साइंस बुक है एंड 1425 मैथ बुक, ठीक है। कह रहे कि एक लाइब्रेरी में 1215 इंग्लिश की किताबें हैं, 1100 साइंस की किताबें हैं और 1425 मैथ की किताबें हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से 956 बुक वेयर यूजफुल टू द स्टूडेंट, इन्हीं किताबों में से 956 जो किताबें हैं वो इशू की कर दिए गए थे, ठीक है, इशू किया गया था किन किन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए,
क्या क्या कहते हैं, इतनी किताबों को इशू कर दिया गया था, इतनी किताबें बच्चे ले ले लिए थे। ठीक है, तो बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, बताइए कि लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें बची हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितनी बुक्स है लाइब्रेरी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखिए इंग्लिश बुक्स। ठीक है, इंग्लिश बुक कितनी है, फिर साइंस की बुक्स लिखिए साइंस बुक। ठीक है, फिर मैथ की बुक लिखिए मैथ की, और उसके बाद यहाँ टोटल लिख लीजिएगा, टोटल बुक्स कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए तीनों के संख्या को लिख लीजिए, इंग्लिश का बुक कितनी है 1215, साइंस की है 1101 और मैथ की जो है 1425। ठीक है, अगर इनको हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल बुक पता हो जाएगा कितनी है, तो 5 में देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 4 एक 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और ये 3। कितनी किताबें कुल लाइब्रेरी में है, ऐसन में कुल किताबें कितनी है, इतनी। तो बता रहे हैं कि लाइब्रेरी में इतना किताब में से इतने किताबें को क्या किया गया, इश्यू कर दिया गया स्टूडेंट के लिए, तो कितनी किताबें बची हुई, तो लिखेंगे यहाँ से द नंबर ऑफ बुक लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट इन लाइब्रेरी, तो क्या करते हैं कुल किताबों में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो कुल किताबें कितनी थी 3741 माइनस कर देंगे 956 को। स्टूडेंट जितना बताने के बाद आएगा उतनी किताबें क्या हुई है लाइब्रेरी में बची हुई है। ठीक है, ये जो घटाना है ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। स्टूडेंट आज का जो वीडियो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।